एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के मंच पर विदिप्ता और ऋषि की जोड़ी सुपर डुपर हिट है, लेकिन अब ऋषि को मिल गई है अपनी पहली कमाई। जी हाँ, इंडियन आइडल के मंच पर ऋषि को अपनी पहली कमाई मिली, क्योंकि हो चुका है पहला चेक अप्रूव, क्योंकि शो को शुरू हुए हो चुका है समय। और ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि ने अपनी पहली कमाई से ऐसा क्या किया विदिप्ता की माँ के लिए कि रो पड़ी विदिप्ता। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल के मंच पर ऋषि और विदिप्ता हर किसी को पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी धीरे धीरे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। तभी तो ऋषि को मिला अपनी कमाई का पहला चेक, और वो चेक जब इनकैश हुआ तो खबरों की माने ऋषि भाग कर गए साड़ी खरीदने। लेकिन ऋषि ने साड़ी सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं खरीदी, बल्कि ऋषि ने साड़ी विदिप्ता की माँ के लिए भी खरीदी। हम आपको बता दें कि ऋषि ने दो महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदी हैं, जिसमें एक है विदिप्ता की माँ के लिए और एक है अपनी माँ के लिए। और उसको देते हुए भी ऋषि ने बड़ी बात बोली। ऋषि ने बोला कि जिस तरह से आप लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, उस तरह से मैं आप लोगों को भी अपना परिवार मानता हूँ, और ये है मेरी पहली कमाई से आपके लिए साड़ी। ये सीन देखकर विदिप्ता भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। विदिप्ता को यकीन ही नहीं हुआ कि ऋषि ने इतना बड़ा कदम उठाया उसकी माँ के लिए। वेल दोस्तों, मानना पड़ेगा ऋषि में संस्कार सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी तो ऋषि ने रिश्ते की शुरुआत होते ही, एक नई दोस्ती की शुरुआत होते ही विदिप्ता की माँ के लिए इतना कुछ कर दिखाया। भाई आप क्या कहेंगे ऋषि की इस अच्छाई के बारे में, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।